जब से मैं इंदिरापुरम आया हूँ रोज शाम को नवी मंजिल की छत पर घूमने जाता हूँ। सामने फ्लैट में रहने वाली एक आईटी प्रोफेशनल रोजाना अपनी छत की फुलवारी में पानी देने आती हैं। जब मैंने उनसे इस शौक के बारे पूछा तो जवाब मिला, प्रकृति के प्रेम और फुलवारी के शौक ने मेरे टेरेस व छत को बगिया बनवा दिया। उन्होंने आगे बताया, सुबह से रात 8 बजे तक लैपटॉप पर बैठना होता है, इसलिए थकान उतारने व मन की शांति के लिए शाम को 2 घंटे बगिया में पानी देना अति आवश्यक है। अगर 49 ताप में पौधों को पानी न दिया जाए तो पौधों की मौत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हम पौधों की परवरिश अपने बच्चों की तरह करते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं, रसोई के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल भी पौधों के लिए करते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं, पौधों को देसी खाद मिलती है और रसोई से निकलने वाले गीले कचरे से बाहर गंदगी भी नहीं होती। पानी देने कटाई छटाई करने का पूरा ध्यान रखते हैं। दिल्ली व इसके आसपास लगभग सभी कॉलोनियों व सोसाइटीज में छतों पर या टेरेस में हरी भरी फुलवारी देखने को मिलेगी। ये दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने का एक बहुत छोटा प्रयास मात्र है। समझने की बात है कि कोरोना के बाद आईटी प्रोफेशनल घर पर ही काम कर रहे हैं। शाम को 2 घंटे का ब्रेक ले अपनी सेहत के साथ पौधों की सेहत का भी ख्याल रखते हैं। ऐसा करने से आत्मसंतुष्टि के साथ मन में शांति भी मिलती है, साथ ही पर्यावरण को संतुलित रखने की खुशी भी मिलती है। अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब कर दें व साथ में लगी घंटी अवश्य दबाएं।